हेलो, वेलकम टू मैथ एक्सिस। आज इस वीडियो में मैं आपको ICSE क्लास 10th के बुक ML अग्रवाल के एक्सरसाइज फर्स्ट के चैप्टर नंबर एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चन 1 और 2 का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ मैन्युफैक्चरर सेल्स अ टीवी टू अ डीलर फॉर ₹18,000 एंड द डीलर सेल इट टू अ कंज्यूमर एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹1,500 इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट एंड द रेट ऑफ GST इज 12% देन फाइंड। फर्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। सेकेंड इसमें का द अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड द अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड फोर्थ है द अमाउंट दैट द कंज्यूमर पे फॉर द TV। सबसे पहले क्वेश्चन में सेल 3 स्टेप में हुआ है। सबसे फर्स्ट है मैन्युफैक्चरर, सेकंड स्टेप में है डीलर एंड थर्ड स्टेप पे है कंज्यूमर, यानी कि सेल्स 3 स्टेप में हुआ है। मैन्युफैक्चरर से डीलर लिया और डीलर से कंज्यूमर लिया है। मैन्युफैक्चरर से डीलर ने ₹18,000 में ख़रीदा है एंड डीलर से डीलर ने ₹1,500 का प्रॉफिट लेके कंज्यूमर को सेल किया, यानी कि ₹19,500 में कंज्यूमर ने ख़रीदा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई प्रोडक्ट किसी प्रोडक्ट का सेल होगा तो उस पर GST कलेक्ट की जाती है, जो कि गवर्नमेंट को जाता है। यानी जब मैन्युफैक्चरर ने डीलर को प्रोडक्ट सेल किया है तो डीलर ने सबसे पहले GST पे किया होगा, जो कि क्योंकि सेल्स इंट्रा स्टेट है तो इसमें स्टेट GST और सेंट्रल GST दोनों देना होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कभी भी जो रेट ऑफ टैक्स GST का होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को इक्वल मिलता है, यानी कि इस केस में रेट ऑफ टैक्स 12% है, यानी 6% स्टेट गवर्नमेंट को और 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। तो क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में डीलर ने कितने में ख़रीदा है, 18,000 में, तो 18,000 का 6% टैक्स पे करेगा वो किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 18,000 का 6% टैक्स पे करेगा वो किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। यानी कि 18,000 का जब हम 6% फाइंड करेंगे तो आता है ₹1,080, यानी 1,080 वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा और 1,080 ही किसको देगा, स्टेट गवर्नमेंट को। अब ये टैक्स पे कर रहा है कौन, डीलर, ₹1,080 सेंट्रल गवर्नमेंट को और ₹1,080 स्टेट गवर्नमेंट को। अब डीलर ने प्रोडक्ट सेल किया किसको, कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर भी टैक्स पे करेगा, तो कंज्यूमर 6% देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 6% देगा स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि 19,500 का जब हम 6% फाइंड करेंगे तो आता है ₹1,270 एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी ₹1,270, यानी दोनों ने टैक्स पे कर दिया, डीलर ने भी टैक्स पे किया और कंज्यूमर ने भी टैक्स पे किया। डीलर से टैक्स कलेक्ट करता है कौन, मैन्युफैक्चरर, एंड कंज्यूमर से टैक्स कौन कलेक्ट करता है, डीलर। यानी डीलर ने जो टैक्स पे किया वो है इनपुट GST एंड जो कंज्यूमर से कलेक्ट किया वो है आउटपुट GST। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो भी डीलर होते हैं, डीलर्स वो क्या करते हैं, कभी भी जो टैक्स पे करते हैं होता है आउटपुट माइनस इनपुट। एंड सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि द अमाउंट ऑफ GST पेड बाई द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी डीलर क्या पे करेगा, आउटपुट माइनस इनपुट, यानी कि अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द डीलर, ये हो जाएगा कितना, 1170 माइनस 1080, यानी कि ₹90, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ₹90। सेकेंड है द अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें पूछा गया है कि कितना GST सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, तो
कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी को मेंशन नहीं किया गया, लाइक डीलर, कंज्यूमर या किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लिया गया है, तो उसमें जो आउटपुट जीएसटी होता है वही हमारा आंसर होता है। यानी कि द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा ₹1,170, यानी कि 1170 रुपये। थर्ड है द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड क्वेश्चन में भी किसी को मेंशन नहीं किया गया, यानी कि अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ये भी हो जाए कितना, ₹1,170, यानी कि आउटपुट जीएसटी के बराबर। फोर्थ है द अमाउंट ऑफ अमाउंट दैट द कंज्यूमर पे फॉर द टीवी। अब कंज्यूमर टीवी के लिए कितना पे करेगा, तो सबसे पहले कंज्यूमर कितने में ख़रीदा था, 19,500 रुपये में डीलर ने कंज्यूमर को सेल किया था, तो कंज्यूमर कितना पे करेगा, कंज्यूमर पे करेगा जितने में डीलर ने उसको बेचा था, 19,500 प्लस सेंट्रल जीएसटी प्लस स्टेट जीएसटी, यानी कि टोटल कितना पे करेगा वो, ज़ीरो ₹21,840। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अ शॉपकीपर बाइज अ कैमरा एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹20% फ्रॉम ए होलसेलर, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द कैमरा बीन ₹1,600। द शॉपकीपर सेल इट टू ए कंज्यूमर एट द प्रिंटेड प्राइस इफ द सेल्स आर इंट्रास्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, देन फाइंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें सबसे पहले बताया गया है कि सेल्स कैसा है, इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट यानी कि इसमें जो भी टैक्स पे होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को इक्वल मिलेंगे। तो अब क्वेश्चन में सेल्स कैसे हो रहा है, सबसे पहले जो शॉपकीपर है वो होलसेलर से, किससे, होलसेलर से एक आर्टिकल ख़रीदा है, किसने, शॉपकीपर ने, और किसको सेल किया है, कंज्यूमर को। यानी इस केस में भी, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी सेल तीन स्टेप में हुआ है, होलसेलर से शॉपकीपर को और शॉपकीपर से कंज्यूमर को। तो दिया क्या है कि जो कैमरा है उसका प्रिंटेड प्राइस कितना है, ₹1,600 प्रिंटेड प्राइस है, ₹1,600, और 1600 का 20% डिस्काउंट, यानी कि जब 1600 का हम 20% फाइंड करेंगे तो आता है ₹320, यानी कि ₹320 डिस्काउंट में कौन खरीद के लाया है, शॉपकीपर, यानी शॉपकीपर कितने में ख़रीदा है, तो 1600 में से हम 320 को माइनस करेंगे तो आता है ₹1,280, यानी शॉपकीपर ने कैमरा को ख़रीदा है ₹1,280, क्योंकि 20% डिस्काउंट पर ख़रीदा है शॉपकीपर ने, यानी कि 1600 का जब 20% डिस्काउंट हम फाइंड करेंगे तो आता है 320, और 320 में से जब हम 1600 में से 320 को माइनस करेंगे तो आएगा 1280, यानी कि ₹1,280 में किसने ख़रीदा है, शॉपकीपर ने। अब शॉपकीपर क्या करता है, द शॉपकीपर सेल इट टू ए कंज्यूमर। अब शॉपकीपर किसको बेचता है, कंज्यूमर को, कितने में, एट द प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस यानी कि ₹1,600 में, यानी कंज्यूमर कितने में ख़रीदता है, ₹1,600। अब क्वेश्चन में दे रखा है रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 12%। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी रेट ऑफ जीएसटी है 12%, यानी 12% का 6% मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 6% मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि सेल कैसा है, इंट्रा स्टेट। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं, दोनों का टैक्स फाइंड करते हैं कि शॉपकीपर और कंज्यूमर ने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया। तो 1280 का 6% टैक्स पे करेगा कौन, शॉपकीपर सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 6% स्टेट गवर्नमेंट को। जब हम 1280 रुपये का 6% फाइंड करते हैं तो ये आएगा ₹5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5 5 2 10 5 5 25 25.6 into 3, यानी कितना हो जाएगा,
18 15 16 एंड 76.8 रुपीस, यानी 1280 का 6% होता है 76.80 रुपीस। तो ये इतना ये सेंट्रल गवर्नमेंट को सेम अमाउंट पे करेगा किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। अब शॉपकीपर ने टैक्स पे किया किसको, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को, कितना 76.80 रुपीस। अब कंज्यूमर ने शॉपकीपर से खरीदा है 1600 रुपये में, तो 1600 का 6% सेंट्रल जीएसटी और 6% स्टेट जीएसटी कौन पे करेगा, कंज्यूमर भी पे करेगा। तो कंज्यूमर यानी 1600 का जब हम 6% फाइंड करेंगे तो ये आता है ₹96, यानी 96 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को, 96 रुपये स्टेट गवर्नमेंट को, कौन पे करेगा, कंज्यूमर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी शॉपकीपर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे किया है। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि शॉपकीपर यानी कोई भी जो डीलर होता है वो हरदम इनपुट माइनस आउटपुट जीएसटी पे करता है। तो इस केस में शॉपकीपर का इनपुट जीएसटी हो जाएगा कितना, ये इनपुट जीएसटी है रुपीज 76.80 पैसे एंड आउटपुट जीएसटी है उसका 96 रुपीज़, क्योंकि शॉपकीपर ने 76.80 पैसे पे किए हैं और कलेक्ट किए हैं कितने, 96। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर, यानी शॉपकीपर ने कितना जीएसटी पे किया, तो आउटपुट माइनस इनपुट यानी कि 96 माइनस 76.80 पैसे यानी कि 90.20 यानी कि 19 रुपये 20 पैसे। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है जो जीएसटी शॉपकीपर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया है। सेकंड क्वेश्चन है इसका जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी किसी का नाम मेंशन नहीं है, जब भी कोई पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी कितना रिसीव करेगी, आउटपुट जीएसटी यानी कि 96 रुपीज़ इसको मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। थर्ड क्वेश्चन है द जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड क्वेश्चन में भी किसी को मेंशन नहीं किया गया है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को भी कितना जीएसटी मिलेगा, आउटपुट जीएसटी के बराबर यानी कि 96 रुपीज़। अब फोर्थ क्वेश्चन है द अमाउंट एट विच द कंज्यूमर बॉट द कैमरा। तो कंज्यूमर कितना प्राइस पे करेगा, तो ₹1600 प्लस सेंट्रल जीएसटी प्लस स्टेट जीएसटी, यानी कि अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर कितना हो जाएगा, ₹1600 प्लस 96 प्लस 96 यानी कि किसके, ₹1792 यानी इतने रुपए में कंज्यूमर ने कैमरा को ख़रीदा है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 अ मैन्युफैक्चरर सेल्स अ वॉशिंग मशीन टू अ होलसेलर फॉर ₹15,000। द होलसेलर सेल इट टू अ ट्रेडर एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹1200 एंड ट्रेडर सेल इट टू अ कंज्यूमर एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹1800। इफ़ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, देन फाइंड करना है हमें द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द होलसेलर। सेकंड है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द ट्रेडर एंड द अमाउंट दैट द कंज्यूमर पे फॉर द मशीन, यानी कंज्यूमर मशीन के लिए कितना पे करेगा। इस क्वेश्चन में हमें 3 स्टेप्स में सेल हुआ है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में जो सेल्स हैं वो 4 स्टेप में हुए हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर से किसने ख़रीदा है, होलसेलर ने, होलसेलर से ख़रीदा है ट्रेडर ने, और फिर ट्रेडर ने सेल किया है किसे, कंज्यूमर को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो सेल्स हैं वो 4 स्टेप में हुए हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से ट्रेडर से कंज्यूमर।
अब होलसेलर ने कितने में ख़रीदा है? रुपीज 15,000 में किससे? मैन्युफैक्चरर से। होलसेलर ने ट्रेडर को बेचा है 1200 रुपीज़ का प्रॉफिट लेके, यानी कि कितने में? 16,200 रुपीज़ में। एंड जो ट्रेडर है, वो ट्रेडर ने कंज्यूमर को बेचा है कितने में? रुपीज़ 1800 का प्रॉफिट लेके, यानी कि रुपीज़ 18,000 में। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में सिर्फ 3 स्टेप में सेल था, होलसेलर, शॉपकीपर एंड कंज्यूमर। इसमें होलसेलर के बाद ट्रेडर भी आ जा रहा है एंड कंज्यूमर, एंड इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप आ गया है मैन्युफैक्चरर का। तो सबसे पहले जब होलसेलर ने प्रोडक्ट सेल किया है तो इसने भी सेंट्रल GST और स्टेट GST पे किया होगा, ट्रेडर ने भी सेंट्रल GST और स्टेट GST पे किया होगा, एंड कंज्यूमर ने भी सेंट्रल GST और स्टेट GST पे करेगा कंज्यूमर भी। तो जैसे कि दे रखा है क्वेश्चन में, GST कितना है? 12%, यानी 12% का 6% सेंट्रल GST एंड 6% स्टेट GST। तो सबसे पहले 15,000 का जब होलसेलर 6% देगा, यानी रुपीज़ 900 होलसेलर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, एंड 900 रुपीज़ देगा स्टेट गवर्नमेंट को। एंड अब जो ट्रेडर है, वो होलसेलर ने ट्रेडर को बेचा है 16,200 रुपये में, यानी 16,200 रुपये का ट्रेडर भी देगा सेंट्रल GST और स्टेट GST, यानी 16,200 का जब हम 6% फाइंड करेंगे तो यह आता है रुपीज़ 6,6,6,2,12,6,6,36,7,6,6,9,9 रुपीज़ 972 सेंट्रल GST और रुपीज़ 972 स्टेट GST ये ट्रेडर पे करेगा। अब ट्रेडर ने सेल किया किसको प्रोडक्ट? कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर भी 6% सेंट्रल GST और 6% स्टेट GST देगा, यानी कि रुपीज़ 1,080 रुपये सेंट्रल GST और 1,080 रुपये स्टेट GST कौन पे करेगा? कंज्यूमर भी पे करेगा। अब सबसे पहले पूछा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द होलसेलर, यानी कि होलसेलर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना अमाउंट ऑफ टैक्स पे किया। तो मैंने बता रखा है कि कभी भी जो होलसेलर होते हैं, जो भी डीलर्स होते हैं, वो आउटपुट में से इनपुट GST माइनस करके पे करते हैं। तो आउटपुट यानी कि जो होलसेलर ने ट्रेडर से कलेक्ट किया है, यानी कि रुपीज़ 972, एंड इनपुट जो होलसेलर ने कंज्यूमर मैन्युफैक्चरर को पे किया है, यानी कि रुपीज़ 900, यानी जो होलसेलर है वो स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? 72 रुपीज़। सिंपल वर्ड में जो भी जो इनपुट GST होता है उसका मतलब ये है टू पे, जो हम पे कर रहे हैं टू पेड, एंड आउटपुट मतलब होता है टू कलेक्ट, टू कलेक्ट, एंड जो डीलर कलेक्ट करता है वो आउटपुट GST है, और जो डीलर पे करता है वो इनपुट GST होता है। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द ट्रेडर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रेडर से कितना GST मिलेगा? तो ट्रेडर के लिए इनपुट GST है रुपीज़ 972 एंड आउटपुट GST है रुपीज़ 1,080। तो ट्रेडर कितना पे करेगा? ट्रेडर सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेगा? तो रुपीज़ 1,080 में से 972 को माइनस करेंगे तो आता है रुपीज़ 108, यानी कि 1,108 रुपये। थर्ड है, द अमाउंट डेट द कंज्यूमर पे फॉर द मशीन। अब कंज्यूमर मशीन के लिए कितना रुपीज़ पे करेगा? तो कंज्यूमर कितना पे करेगा? रुपीज़ 18,000 प्लस सेंट्रल GST प्लस स्टेट GST, यानी कि 18,000 प्लस 1,080 प्लस 1,080, यानी कि 20,160 रुपये। ये कौन पे करेगा? कंज्यूमर पे करेगा, किसके लिए? वॉशिंग मशीन के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का सोल्यूशन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है, अ डीलर बाई एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% फ्रॉम द होलसेलर, द मार्क्ट प्राइस बीन रुपीज़ 6,000। द डीलर सेल इट टू ए कंज्यूमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ट प्राइस। इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट एंड द रेट ऑफ GST रुपीज़ 5%, देन फाइंड द अमाउंट पेड बाई द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल
सेकेंड है द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, एंड थर्ड है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी क्वेश्चन नंबर फोर्थ में एक डीलर है जो होलसेलर से डीलर ने एक आर्टिकल परचेस किया है और फिर डीलर ने कंज्यूमर को सेल किया है। तो इस क्वेश्चन में आप दे रखा है कि जो होलसेलर है वो डीलर को 30% डिस्काउंट पे सेल कर रहा है और डीलर कंज्यूमर को 10% डिस्काउंट पे सेल किया है। तो सबसे पहले हमें दोनों ही केस में डीलर और कंज्यूमर के लिए सेलिंग प्राइस पता करना होगा। तो आर्टिकल का प्रिंट प्राइस है कितना, ₹6,000। तो 6,000 का हम 30% फाइंड करेंगे तो यह आता है ₹30 × 100 यानी कि 1800। यानी कि 6,000 का 1800 डिस्काउंट देके होलसेलर ने डीलर को सेल किया, यानी कि कितने में सेल किया, 4200 में। यानी डीलर ने होलसेलर से आर्टिकल को ख़रीदा है ₹4200 में। अब जो डीलर है वो कंज्यूमर को बेचता है कितने में, 10% डिस्काउंट पे। यानी जब 6,000 का हम 10% डिस्काउंट फाइंड करेंगे तो यह आता है 600, यानी कि जो डीलर है वो कंज्यूमर को बेचा है कितने में आर्टिकल, ₹5,400 में। तो जब इन्हीं पे हम दोनों के लिए सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी फाइंड कर लेंगे और फिर जो क्वेश्चन पूछा है उसे हम क्वेश्चन 1, 2 और 3 के जैसे ही सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को आप खुद ही ट्राई करें, अगर फिर भी इसमें कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करें। थैंक यू।